वो करने के बाद तब बताऊंगी। ठीक है, ऑक्सीजन लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भाई हमने क्या सीखा था, हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये पैरामैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारा जो वीपीटी है वो नहीं बता पा रहा था। ठीक है, जब वो नहीं बता पा रहा था तो फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक थ्योरी आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें क्या याद रखना था, हमने कहा था दो जो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, तो इसके हमने अलग ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जिसने क्लास प्रेजेंट नहीं था तो भाई उसके लिए की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। बस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जैसे हमने याद रखी थी ना, 1s2 2s2 2p6 ऐसे कुछ करते थे ना, 2p4 फॉर ऑक्सीजन के लिए, ऐसे ही 1s2 2s2 2p4 इस वाले ऑक्सीजन के लिए। ठीक है भाई, टोनी ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए समझा रही हूँ। टोनी और नरगिस, नरगिस तो चली गई क्या, क्लास में है? नरगिस का नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्लास में, नहीं। तो मेरे पास जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही थी कि एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिग्मा, अगर 1s, हमारे पास ये कॉन्फिगरेशन याद रखनी है, सिग्मा 1s, उसके बाद आती है सिग्मा स्टार 1s। भाई टोनी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आज आ जाएगी आपके उसमें। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, नेक्स्ट ये जब बना ना 1s2 और 1s2, ये दोनों कंबाइन किए तो इसने मुझे दो ऑर्बिटल बनाकर दे दिए, 1s और एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग, तो स्टार लगाया मैंने एंटी बॉन्डिंग के ऊपर। ऐसे ही 2s सिग्मा, ऐसे सिग्मा स्टार 2s। भाई एक चीज जो मैंने कल नहीं बताई थी वो ध्यान से सुनो, जब ये सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार है, इस दोनों को मैं एक ही लिख सकती हूँ क्योंकि बार बार आएगा ना, के के स्टार, ऐसे इसके लिए भी के के स्टार। क्लियर है, बोलो भाई, नहीं तो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। भाई ऑक्सीजन से पहले वालों के लिए जो कॉन्फिगरेशन होती है वो होती है क्या, पाए 2px इक्वल टू पाए 2py। जो समझ में ना आए हैंड रेज कर लेना टोनी, क्योंकि तो, और नरगिस तो है नहीं अब, पाए 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz और क्या, फिर उसके बाद है आपका पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py और फिर है सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है, ये कब है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कब है बच्चे, जब आपके पास देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसे अपने पास। हाँ नीतू तो बोलो। मैम ये जो सिग्मा 2pz बनता है तो उसमें सिग्मा बन जेड पे क्यों बनता है, एक्स और वाई पे क्यों नहीं बनता? कर सकते हो आप, एक्स और वाई पे भी कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर एक्स ले लो, यहाँ पर वाई और जेड लिख लो, यहाँ पर वाई ले लो, यहाँ पर एक्स और जेड लिख लो, आप कर सकते हो ऐसा, पर एक चीज को हमने फिक्स कर रहा है ना, हमने जनरलाइज करी है, उसमें हमने 2pz को सिग्मा वाला माना है। मतलब मैम लिख सकते हैं किसी में भी सिग्मा लगा, Yes, ma'am. लेकिन जनरली हम जो है जेड वाले को हम सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। ठीक है, yes, ma'am. अब जो मेरे रिशु, जो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके ऑक्सीजन से पहले वाले जितने भी मॉलिक्यूल है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये वाली फिल करोगे, जैसे कि हाइड्रोजन से लेके आपके कहां तक, नाइट्रोजन तक। क्लियर है, H2 से लेके N2 तक जितने भी जो भी आपके होंगे उसके लिए आपकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर, एक एक 1s2 का ये वाला, ये 1s2 का मिलकर इसने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, एक को मैं बोलती हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलती हूँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीतू बिटली लिंक पे जाके अपना क्लास में, मुस्कान है क्लास के अंदर, मुस्कान हाँ, पिछले लिंक पे जाने के बाद क्लास में अपना ये जो एक बार लेक्चर को देख लेना जो मैंने कल करवाया था, उसमें सब बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है। अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, एट द एंड यही काम आने वाली है, यही आपके एग्जाम में आएगी। क्या अगर वो मुझसे बोले N2 का, भाई यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये ऑक्सीजन के लिए लिखा है,
यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी या फिर ऑक्सीजन के बाद वाले मॉलिक्यूल के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसी में लिख लो सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई क्या हो जाता है भाई, बस सिर्फ एक ऑक्सीजन के बाद वालों के लिए ध्यान देना, मुस्कान नीतू और नीतू नहीं सॉरी मुस्कान और टोनी, एक चीज ध्यान रखनी है क्या, जितने भी ऑक्सीजन के बाद वाले रहेंगे उसमें आपके पास ऑक्सीजन के बाद वाले में यहाँ एक इंटरचेंज हो जाता है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी के पहले क्या आ जाता है सिग्मा टू पी जेड पहले, फिर पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, और ये तो ऐसे है ही यहाँ, इसके बाद तो पाई स्टार ही है, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और फिर है आपका क्या सिग्मा टू पी जेड, बस ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। बोलो भी कौन कुछ पूछ रहा है, हाँ टोनी बोलो। मैम सिग्मा का साइन क्या है, सिग्मा का साइन क्या है, ये जो मैं बना रही हूँ ये वाला, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई, ठीक है मैम, पर वो दूसरा सिग्मा का दूसरा होता है, दूसरा होता है कौन सा होता है, ये सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो इस तरीके से ऐसे सिग्मा ये डिनोट करती हूँ और ये पाई, क्लियर है मैम, हाँ समीशन वाला चिन्ह तुम्हें बोल रहा है उसको भी सिग्मा हाँ। ही बोलते हैं समीशन, हाँ नहीं अभी हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, हाँ इसको बोलते हैं, क्लियर, हम इसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। नोनी हर्षी तुम कहाँ थी भाई, क्लास में कभी आते हो कभी नहीं आते हो, ऐसे काम कैसे चलेगा है भाई। चलो अब बताओ मुझे ऑक्सीजन O2 के लिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने वाली हूँ भाई, अगर मुझसे बोला जाए कि नाइट्रोजन के लिए N2 के लिए, मैं एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं क्योंकि करवा चुकी हूँ तो बार बार मिटा के उसी के ऊपर लिखूंगी, ठीक है मुझे नाइट्रोजन, क्यों तुम कहाँ गई थी नरगिस, मैं तब से नरगिस नरगिस पूछ रही हूँ, खत्म हो गए थे नाइट्रोजन, आज ही दूसरी बार हो रहा है भाई तुम लोगों के लिए जो नहीं आए थे कल, N2 जो है आपके पास नाइट्रोजन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का अरेंज करो, बच्चों ने होमवर्क करके भी दे दिया है, बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करो N2 नेगेटिव, N2 और N2 प्लस, N2 और N2 प्लस, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके बेसिस में इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसी ऑक्सीजन का भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो आता ही आता है। तो भाई नाइट्रोजन के लिए अगर वो मुझे इसके करने के लिए बोलेगा तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है सिग्मा, फिर से लिख रही हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको नरगिस याद रखनी है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्बिट इस, जब ये दो जैसे कि 1s2 और 1s2 इन दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ये दो ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और दूसरा क्या बनता है एंटी बॉन्डिंग, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है वो सिग्मा से डिनोट कर रही हूँ और जो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है उसको सिग्मा स्टार से, बाकी का आप रिकॉर्डिंग लेक्चर से देखना, लास्ट में सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही याद रखनी होती है जो कि क्या है सिग्मा वन एस, किसके लिए भाई नाइट्रोजन और उससे पहले वाले मॉलिक्यूल के लिए, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, टोनी क्या होगा आगे सिग्मा टू पी जेड पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल है किसके पाई स्टार टू पी वाई के, और फिर आपका सिग्मा स्टार टू पी जेड, ठीक है भाई ये कॉन्फ़िगरेशन याद करनी रखनी है, अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है टोनी हैंड्स डाउन कर लो अगर कोई डाउट नहीं तो, एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो मैं इसे फिल करूंगी कैसे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए मैंने, ठीक है भाई नरगिस टोटल नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नरगिस, एक नाइट्रोजन के कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, दो नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे महक
महक का माइक खराब है। मुस्कान कितने होंगे? ओके जवाब दो, अटेंडेंस तभी लगेगी। महक, एक नाइट्रोजन के 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन कितने? मैम 14। ठीक है। एक 1s2, तुम सो जाते हो क्या? 1s2, 2s2, उसके बाद मैं इसको फिल करूंगी इधर, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं जब यहाँ पे फिल करती हूँ, बच्चे यहाँ तो दो दो करने पर आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले एक एक दोनों को देते हैं, उसके बाद दोबारा एक और एक दोनों को देते हैं, तो दोनों के पास कितने आ गए? दोनों के पास इक्वल आना चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आई? पहले तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों के पास क्या आए, इक्वल नंबर आने चाहिए, मतलब एक इसको फिर एक इसको देना है। ठीक है भाई, हाँ या ना? टोनी समझ में आई ये वाली बात? ऐसे एक एक देना है, फिर उसके बाद एक ही साथ में दोनों को दो नहीं दे देने, जब यहाँ इक्वल का मतलब है कि पहले एक इस पे गया, फिर एक इस पे गया, फिर दोबारा एक इस पे आया, फिर एक इस पे। उसके बाद आगे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए कंप्लीट, हो गए 14। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ 14 हो गए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होने के। अब मुझे इसका यूज क्या है मेरा यहाँ पे निकालनी होती है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। हाँ टोनी पूछो। मैम पाई 2p4 का क्या हुआ? पाई 2p4 कहाँ है? x है वो भाई टोनी, कहाँ देख रहे हो? अपनी कॉपी में लिख लो इसको। मैं बोल तो वही रही हूँ ना, पाई स्टार है ये, स्टार 2px, इनके पास नहीं आया भाई 14, खत्म हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन। बस कॉन्फ़िगरेशन ये है कि बाय चांस n2 नेगेटिव हुआ या n2 नेगेटिव हुआ, भी बताऊंगी इसके लिए भी, पर आपको यही कॉन्फ़िगरेशन पूरे में याद रखनी, यही तक काम आएगा ये। क्लियर है? ठीक है भाई। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से पहले वालों के लिए है, उसके बाद वालों के लिए अलग हो जाती है। मेरे पास इसका यूज क्या है, ध्यान से सुनो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। भी क्या करवाना था तुम लोग? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस ऑफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। बॉन्डिंग कितने हैं टोनी? जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है में है, और जो बिना वाले हैं नोनी वो कौन से हैं आपके? बॉन्डिंग। तो काउंट बताओ मुझे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं। बॉन्डिंग वाले 10 है एंड एंटी बॉन्डिंग वाले 4। क्लियर है? 1, 2, 3 हैंड रेस करो जिसने नहीं काउंट किया। नहीं समझ में आया कैसे? किसने किया हैंड रेस? सबको समझ में आ गया बॉन्डिंग कैसे है? तमन्ना नहीं समझ में आया बॉन्डिंग कैसे, एंटी बॉन्डिंग कैसे? तमन्ना, जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग, जो बिना स्टार वाला है वो बॉन्डिंग। ठीक है वर्षा, वर्षा जी, प्रिया, प्रिया समझ में आया? मैम समझ में आया। अब जरा ये करो, काउंट करो, 1s 2 2 4 और ये 6 8 9 10। 10 है आपके बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, आप काउंट करोगे तो कितने आ रहे हैं भाई? 4। 1, 2, 3, 4। हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये 2px लिखा है बस। 4 अपॉन में 2, आंसर आया 3। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है, ये 3 बॉन्ड जो बने हैं ना, ये इसको मैं बोल रही हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, 3। क्लियर हुई ये बात? अब मुझे बताओ N2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? कल की क्लास में मैंने क्या बताया था डायामैग्नेटिक माने क्या होता है, कौन बताएगा भाई? मैम मैं बताऊं? नहीं तो बताओ मैम। डबल प्रतिचुंबकी। हाँ जो, अरे हिंदी मीनिंग थोड़ी बताना है, मतलब बताना है उसका। डायमैग्नेटिक माने क्या भाई? अगर चुंबक से दूर हो, जो चुंबक, जब जब जो चुंबकीय फील्ड मैग्नेटिक, मैं भी हिंदी बोल रही हूँ भाई, उसके साथ तुम समझ जाना, चुंबकीय बोला तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, वो रिपेल करेगा अपने आप को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं जाएगा, उससे रिपेल होगा, तो वो डायामैग्नेटिक होता है। पर एक्चुअल में यहाँ पर अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा मेरे पास, तो वो कैसा रहेगा मेरा? डायामैग्नेटिक। यहाँ पर देखो सबके सब पेयर में है, दो दो के, एक के पास भी अनपेयर्ड नहीं है, मतलब एक सिंगल में भी नहीं प्रेजेंट, तो ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है? नाइट्रोजन आपका डाया अनुचुंबक।
अणु कैसे हो गया भाई, डायमैग्नेटिक नहीं हो गया? यस मैम। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ध्यान रखना डाया ड से ही पता चल रहा है, डाया मतलब पेयर में, जैसे ही आपके पास पेयर में है सारे के सारे तो वो कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। क्लियर है ये बात? डी से डबल ऐसे याद रख लो, मतलब हाँ तो नहीं बोलो। मैम एंटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग पढ़ना उसमें, ठीक है, जो कल कर पाया उसमें पढ़ना। एक तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और दूसरा क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? ये 1s2 है, दूसरा भी 1s2 है, तो ये मिलकर दो बनाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैंने ये कल की क्लास में करवाया है भाई, जब दो पॉजिटिव वाले एक साथ मिलेंगे, दो पॉजिटिव एक साथ मिले तो कौन सा बनेगा आपका, या फिर ऐसे बनाओ ये वाला प्लस और ये माइनस, और ये वाला प्लस और ये माइनस, जब दोनों प्लस प्लस साइड से मिलकर बनते हैं तो वो कौन सा बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं भाई? ये पूरा मिलकर प्लस प्लस पूरा मिलकर एक ही हो जाएगा, प्लस प्लस मिलकर एक ही बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं तो यहाँ पर वो एक ही पूरा का पूरा क्या बना देते हैं, एक ऑर्बिटल पूरा बन गया, एक ही क्लाउड बन गया। और अगर दोनों एक प्लस का और दूसरा क्या बनेगा, माइनस वाला जो है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर मेरे पास, एंटी बॉन्डिंग। कैसे, जब यहाँ पर देखो एक प्लस और एक माइनस थे, दोनों माइनस माइनस थे, मेरे पास अगर एक प्लस का और दूसरा, एक प्लस का और दूसरा वाला जो है, ये माइनस वाला जब आपस में कंबाइन हो रहा है तो ये क्या बनाएंगे आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, क्लियर है टोनी? वैसे ज्यादा नहीं बता सकती, अगली क्लास में या फिर नोट्स में आके देखना, ठीक है, सारा नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ लेना। तो मेरे पास एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। अब जरा इसी के अंदर मुझे बताओ, हमने एन टू का कर लिया, इसी में मैं अगर पूछूं मेरे पास एन टू नेगेटिव, मैं यहीं पे चेंजेस करती जा रही हूँ, आप अपने नोट्स में देख लेना, एन टू नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नाजो ने किया था क्वेश्चन सॉल्व, देख के नहीं किया तो जल्दी बताओ, एन टू नेगेटिव के ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या करनी है, बस मुझे N2 नेगेटिव मतलब मुस्कान की एक इलेक्ट्रॉन मेरा और ऐड हो गया, पर पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन सेम वही और मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करवा दिया। क्लियर है, समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, मतलब 15 फिल करने हैं मुझे। मैम मैं बताऊं? अरे रुको, मुस्कान कहाँ गई, सो गई क्या? हाँ प्रेजेंट है। महक, N2 नेगेटिव में मुझे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा मैंने यहाँ पर, और अब मेरे पास ये इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई टोनी, ये डायमैग्नेटिक हो गया या पैरामैग्नेटिक? मैम पैरामैग्नेटिक। मैम डाया। अरे डाया मतलब सब पेयर, इसके पास एक अनपेयर्ड है भाई, है ना वर्षा, वर्षा बिस्वाल, एक अनपेयर्ड बच्चा है ना, तो इसकी वजह से कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब मुझसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा, 2.5। जरा निकालो फटाफट से, कितना आ रहा है भाई, कहाँ गया विवेक, विवेक कितना आ रहा है? हाँ भाई योगिता ने बिल्कुल ठीक बोला था। नरगिस बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, प्रिया भारती, प्रियांशी, ये सब 2.5 ही आएगा। आप बॉन्डिंग वाले काउंट करो तो वो तो अभी भी 10 है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग अब कितने हो गए हैं बच्चे, 5 हो गए, 5/2 यानी कि 2.5 इसका आंसर आता है। क्लियर है ये बात? ऐसे ही अगर मुझसे पूछा जाए, मुस्कान समझ में आया, अगर मुझसे पूछा जाए किसका, N2 2 नेगेटिव का, अब मेरे पास दो नेगेटिव है यानी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूंगी, अब की बार भाई वही वाले स्टार पे नहीं देना, उससे उधर वाले स्टार पर देना है, मतलब इन दोनों के पास इक्वल होता है ना, N2 2 नेगेटिव हो गया तो दोनों को गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2, 10 माइनस का 6, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? अकेला पड़ा है उसके पास, ठीक है भाई नोनी, समझ में आया? हर्षी बोलू, नोनी बोलू, क्या बोलू इसको मैं, मुझे लिख कर बता देना। एन टू प्लस बताओ, एन टू प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा एन टू प्लस में, N2 प्लस में मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन थी इसमें से तो पहले मुझे
वापस से N2 वाले पे आओ, N2 प्लस में मेरे पास सिग्मा 2 पी जेड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कितना जाएगा, 9 माइनस का 4, 9 माइनस का 4, 4 डिवाइडेड में 2, आंसर कितना आया 2.5। एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा किस किस के बीच में, N2, N2 प्लस और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। N2 प्लस कैसा है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? कॉन्फ़िगरेशन नोनी कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कैसे आया N2 प्लस, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अब बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर एग्जाम में आएगा N2 प्लस, N2 और N2 नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, N2 प्लस इक्वल है N2 नेगेटिव के, दोनों का 2.5 आ रहा था। ग्रेट, फिर सॉरी इससे भी बड़ा कौन सा है, N2 बड़ा था ना सबसे बड़ा, इनसे बड़ा कौन सा है, N2 सबसे बड़ा। N2 का 3 है बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी 2.5 है और इसका भी कितना है 2.5, और उसके बाद आता है N2 नेगेटिव जिसका क्या था 2। बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया? अब अपने आप जरा ऑक्सीजन का निकालो और कॉपी में लिख कर दिखाओ। O2 प्लस का पहले लिखो, फिर O2 नेगेटिव का, फिर O2 का, इन तीन का करो अपने आप करना। ऑक्सीजन के लिए याद रखना कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, जो बताई है उससे थोड़ा सा अलग है, मैं एक ही में करके दिखा रही हूँ, आप तीनों का अलग अलग लिखोगे अपनी कॉपी में, लिख लोगे आज तो मैं बता रही हूँ एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा वरना भूल जाओगे। मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, लिख कर देख लेना, नहीं तो मैं पक्का बता रही हूँ भूल जाओगे एग्जाम के टाइम पे, कौन आगे कौन पीछे कुछ नहीं याद रहेगा। सिग्मा 1s, मैं भी नोटबुक खोलने के लिए बोलूंगी किसको, भाई कौन दिखाएगा, हैंड रेज करो जिस जिसके पास है नोटबुक, अभी दिखा सकते हो तो करके। हाँ भाई हर्षी, तुमसे ही पूछूंगी जो तुम रुक रुक के हाथ ऐसे करके जो हैंड रेज किया है ना, बिल्कुल बैक करो कैमरा, फटाफट से दिखाओ। मैं बैक कर ली जब तो। हाँ तो खुद करनी है, अरे खुद करना है भाई, करो भाई नर्गिस, खाली क्वेश्चन थोड़ी दिखाना है। ओके खुद ऐसे दिखाना थोड़ी है, करना है, करके दिखाना है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p, ओ सॉरी भाई पाई नहीं आता, क्या आएगा भाई यहाँ पे, यही पे थोड़ा सा चेंज, सिग्मा 2p, सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या है आपका पाई 2px इक्वल पाई 2py, फिर आपका पाई स्टार 2p स्टार, टोनी ये स्टार है, पाई 2p स्टार एक्स, पाई स्टार 2p वाई, और उसके बाद है सिग्मा स्टार 2p जेड। भाई एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए भी पूछा जाता है, डायग्राम भी आना चाहिए इसका, कैसे बनेगा करके। कर लिया सबका यही आइए, लिख ली कॉन्फ़िगरेशन, यस अब दिखाएगा कौन, हर्षी जरा दिखाओ, लिखिए फिल करके दिखाना है, इलेक्ट्रॉन फिल करके, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जिनको बोलूं वो दिखाएगा। देव कटारिया, देव कटारिया बाहर घूम रहे हो या फिर कॉपी लेके बैठे हो? रोहित क्या तुम दिखा सकते हो? प्रियांशी, प्रियांशी भी नोटबुक लेके नहीं बैठी, दिखाओ भाई नरगिस दिखाओ, दीक्षा, दीक्षा गौतम तुम भी दिखाओगी भाई, दीक्षा जल्दी दिखाओ, नरगिस कहाँ गई, नरगिस नरगिस यस मैम, दिखाओ फिल करे इलेक्ट्रॉन, वन करते दो 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 फिल करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, मुस्कान ये बता सकती हो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, कितने फिल करने हैं मुझे O2 नेगेटिव में? 14 कैसे यार, 34 है वो,
O2 प्लस, अरे हाँ O2 प्लस है, ठीक है तो O2 प्लस भी है, O2 प्लस भी है तो भी थोड़ी 14 होगा मैम, 15 होंगे। 15 नहीं होंगे मुस्कान, बताओ O2 नेगेटिव में कितने होंगे, O2 में कितने होंगे मैम? 15 किस मुस, O2 में क्यों, O2 नेगेटिव में कितने होंगे, 15 कैसे हो जाएंगे मुस्कान? एक मिनट रुक जाओ, सब सवाल O2 नेगेटिव में मुस्कान, O2 नेगेटिव में एक ऑक्सीजन पे 8, दूसरे ऑक्सीजन पे 8 और एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक और ऐड हुआ, तो कितने हो गए टोटल? 17। ठीक है ठीक है। नरगिस तुमने दिखाया नहीं मुझे, फिल करके नहीं किया बैक कैमरा, किसी ने ऑन नहीं किया ना तुम में से, मतलब तुम सब ऐसे बैठे हो नोटबुक लेके नहीं बैठे हो, ऐसे फोन हाथ में लेके हूँ लेके बैठे है ना भाई हर्षी? देखो वो कृष्णा तो कह रहे, ठीक है विशेष, अरे दिखाओ मुझे फिल करके इलेक्ट्रॉन। नरगिस नहीं दिखाया, नहीं आया? नो मैम। दिखाओ जरा हर्षी, तुम दिखाओ कुछ तो दिखाओ मुझे, पता तो चले तुम मिस्टेक क्या कर रहे हो। नरगिस कॉपी नहीं है क्या साथ में? दिखाई तो थी अभी तुमने अपनी नोटबुक मुझे। चलो भाई नहीं दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दो 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 और ये दो फिर दो, एक कितने करने हैं मुझे, एक दो तीन चार पांच सात नौ दस हो गए हैं, अब मुझे कितने करने हैं यहाँ पर, एक और एक पहले दूंगी फिर दोबारा एक और एक, दो और दो दोनों आ गए इसमें भी। यस मैम मैं दिखाऊं? नहीं तू दिखाएगी। चलो नरगिस क्यों नहीं दिखा रही भाई, योगिता तुम दिखाओ, नहीं तो भी रुक जाओ योगिता तुम दिखा रही हो। अब तो मैंने आधा फिल कर दिया तब बोल रहे अच्छा ठीक है हम दिखाते हैं, नहीं तो दिखाओ तुम भी दिखाओ भाई। टोनी क्या कर रहे हो, देख सकती हूँ भाई मैं एक साथ तीन तीन लोगों का देख लूंगी। अरे तुमने तो खाली रख रखा है भाई, इसके इलेक्ट्रॉन का अच्छा ऊपर फिल करें। ठीक है भाई योगिता, ठीक है नरगिस, ठीक है चलो ठीक है ऑन ऑफ कर दो, ठीक है टोनी मैंने देख लिया। चलो अब जरा मुझे ये बताओ, हाँ ये डायग्राम देखा है ऐसे नीतू ने बना रखा है, ऐसे डायग्राम बनाकर आपको शो करना होगा, डायग्राम बन जाएगा क्या? मैं बना के दिखाऊंगी एक बार। तीन 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 छह बारह कितने हो गए, 14 हो गए, बचा कितना, एक बचा अभी, एक आ जाएगा इसके ऊपर। यस हो गए 15 इलेक्ट्रॉन फिल, 15 करने थे मुझे इसमें O2 प्लस में, आया ना बॉन्ड ऑर्डर बताओ फटाफट से, O2 प्लस का कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। किसी का कोई जवाब नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 minus 5 आंसर आ गया 2.5। और 2 नेगेटिव का फिल करो, मैं इसी में फिल कर रही हूँ, तुम अपने अलग से जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसको दोबारा लिखो और फिर से फिल करना। और 2 नेगेटिव को जब मैं फिल करूंगी तो मुझे भरने हैं अपने कितने, यहाँ अभी यहाँ तक टोटल कितने हो गए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके हूँ, मुझे भरने हैं कितने, 17। ये आ रहा है, बोलो भाई आया ना, और 2 नेगेटिव। प्रिया भारती, हाँ भाई टोनी बोलो, समझ में आया प्रिया? मैम जो बॉन्ड पे ऐसे बस नीचे मार्क कर दो, क्या करूं उनको मार्क कर दो बॉन्डिंग वाले? हैं भाई बॉन्डिंग वाले? यस मैम। तो ये क्या करा हुआ है, मैंने स्टार लगा तो है उसके ऊपर से दिख नहीं रहा है मैम, दस कैसे हो गए फिर क्या, ये करा हुआ ना स्टार लगा हुआ, ये वाले स्टार, उसके बाद ये रहा एक स्टार, ये रहा फिर एक स्टार, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग O2 नेगेटिव में बताओ जरा, ये O2 नेगेटिव का ही है, अब इसको हटा के मैंने तो चार ही है बस, तो कितने हुए काउंट करो अपने आप ही, एक दो तीन चार पांच
टेन माइनस का कितना है आपका, एक दो काउंट करो जल्दी से जरा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग फॉर एन ओ टू नेगेटिव के लिए। अगर तुमने अपनी कॉपी में किया है तो कर सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस सेवन टेन, टेन माइनस का टेन आए आपके बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं सेवन, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। क्लियर है टोनी? कितना आया, थ्री बाय टू आंसर आया, 1.5 बाय 5। O2 टू नेगेटिव के लिए अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 10 माइनस के कितने 8 और आंसर आ जाएगा कितना 1। क्लियर है, आया ना? O2 के लिए करोगे तो आंसर आएगा, O2 के लिए करोगे तो आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का 2, 10 माइनस के कितने 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 2। क्लियर है? तो आपके पास अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लिया जाए किस में, O2 टू नेगेटिव, O2 टू नेगेटिव है, O2 टू प्लस है, O2 है, O2 टू नेगेटिव है, हो गया नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2 प्लस, कर लोगे सबका? बोलो भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था O2 नेगेटिव का, जल्दी बताओ जिसने किया है। O2 का मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, O2 नेगेटिव का कितना आया था 1.5 और O2 टू नेगेटिव का 1 आया था, O2 प्लस का कितना आया था, O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, किया है हमने वो 2.5, वो तो इसका आया था 2.5, इसका कितना आया O2 2 प्लस का, ऑक्सीजन 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, करो जरा अपने आप, रिशु खुद करके देखना है, समझ में आ रहा है रिशु कैसे फील कर रही हूँ मैं, भाई हैंड रेस करो जिसे कुछ नहीं समझ में आया, ये O2 प्लस 2 प्लस का करके दिखाऊंगी, हैंड रेस करो जिसे नहीं समझ में आया कैसे फील करना है। टोनी ये क्या बात हुई भाई, ठीक है रिशु को O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, कैलकुलेट खुद करके देखना है, एक और मैं फिर से लिखकर दिखा रही हूँ ताकि तुम देखो जरा कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद था सिग्मा 2pz, इसके बाद आता है मेरा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल आता है पाई स्टार 2p y के, और फिर आता है मेरा सिग्मा स्टार 2p z। इलेक्ट्रॉन O2 2 प्लस में टोटल 14 है, मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दो दो चार छ सात आठ नौ दस, एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही भरते हैं, दस ग्यारह बारह और तेरह जगह 14 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं टोटल काउंट करोगे आप, 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी बॉन्डिंग आए 4 डिवाइडेड किया आपने 2, आंसर आ गया आपका 3, तो O2 2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आएगा आपका 3। एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे O2 2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 नेगेटिव का, भाई चाहे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के वहां एग्जाम में खेलते रहना या फिर डायरेक्ट याद कर लो इसे ऐसे के ऐसे ही कि O2 2 प्लस, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी क्या होगी सबकी पता है भाई, क्या किसकी क्या होगी, जिसके पास एक बच रहा है वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास इसके पास ये O2 2 प्लस कैसा रहेगा डायामैग्नेटिक, O2 2 प्लस कैसा रहेगा भाई डायामैग्नेटिक, इसके अलावा मेरे ख्याल से जितने भी हैं उनका पैरामैग्नेटिक आ रहा था, यस यस, इस O2 2 प्लस के अलावा ऑक्सीजन के अंदर जितने भी उनका आ रहा है आपका पैरामैग्नेटिक, भाई ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नियॉन 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये जल्दी से बताओ सकते हो क्या, तो मुझे नियॉन 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कैसे पता चलेगा, नहीं करता मैम, नहीं करता, आप इसके बॉन्ड ऑर्डर भाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं इसके जरा फिल करोगे 1s, ये दोबारा से लिखना पड़ेगा मैं, अच्छा सुनो दोबारा से क्या इससे याद आया मुझे, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार को आप के और के स्टार इससे डिनोट कर सकते हो, क्लियर है, के और के स्टार से आप इसे डिनोट करते हो एक ही बार में लिख देते हो, मतलब कि ये वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने हो जाते हैं 4, ऐसे ही 2s वाले में भी ये कितने हो गए 4, क्लियर है,
एक आपके पास मैं? चार इलेक्ट्रॉन ये, हाँ चार इलेक्ट्रॉन ये, इसको कितने पे नोट करेंगे फिर? किसको? पाई को। इसमें के की फॉर्म में पूछ रहे हो? यस मैम। नहीं, नहीं इसको पूरा ही लिखूंगी आप फिर, ठीक है? मुझे दिख नहीं रहा। इसे डिनोट करने के लिए के ही यूज क्यों कर रहे हैं, कोई और अल्फाबेट कर दो यार, कर दो। के हमने यूज किया क्योंकि मेरे पास जो पहला ऑर्बिट होता है वो के होता है ना। ओ यस मैम। ठीक है, तो मेरे पास के स्टार, दूसरे को नहीं करना, के स्टार ही लिखना है पहले वाले को, ठीक है? उसके बाद आ गया आपका सिग्मा 2s, फिर आ गया सिग्मा स्टार 2s। ये मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि यहाँ चार इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz, उसके बाद कौन सा था, पाई 2px इक्वल पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। भाई जैसे याद हो गया, सबको याद हो गया, सिग्मा स्टार 2pz। टोटल मुझे नियॉन 2 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कौन बताएगा, किसको बताएगा? 20 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 4 तो मेरे सबसे आगे वाले में फिल हो गए, बचे कितने, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। जितने नॉन बॉन्डिंग थे जितने उतने ही एंटी बॉन्ड, जितने बॉन्डिंग थे उतने ही एंटी बॉन्डिंग है। 10 माइनस 10 10 ही आ रहे हैं? अरे भाई बोलो भाई, 10 ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे? Yes, ma'am. Equal to 2, equal to 0 आया, bond order जैसे ही आपका 0 आया, आप कहोगे that molecule does not exist, clear है? O2 negative को, एक और बात याद रखना, O2 negative को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए O2 negative is सुपर ऑक्साइड एंड O2 negative is पर ऑक्साइड, क्लियर है? अभी किया था हमने O2 नेगेटिव का परऑक्साइड का, कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और इसके लिए कितना आया था 1, क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। ऐसे ही F2 का भी करना और आप कर पाओगे। मेरे तरफ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खत्म, अब हम पढ़ते हैं कुछ रेजोनेंस के बारे में। तुम सबको समझ में आ गया ना, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, पैरामैग्नेटिक बताओ, मैग्नेटिक बताओ। एक और बात मैंने की थी बॉन्ड लेंथ के बारे में, जो फिर से सुन लो, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसकी, कम। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर का जो रिवर्स होगा वो आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, क्लियर? रिपीट करना है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है भाई, अगर एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मुझसे इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ लिया जाए तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिंगल वाले की, क्लियर? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो अब रेजोनेंस क्या कह रहा है, रेजोनेंस मीन्स क्या होता है, मेरे पास जो स्ट्रक्चर है भाई, हमने O3 की स्ट्रक्चर देखी थी, O3 का हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरे पास स्ट्रक्चर आ रही थी, यस। अब भाई इस वाले डबल बॉन्ड के पास कोई कॉपीराइट थोड़ी है कि भाई ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इस जो बॉन्ड है इसके पास ही रहेगा, इनके इसके पास नहीं रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ बनाया था हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर O3 का। तो एक स्ट्रक्चर, सिर्फ एक स्ट्रक्चर, मेरा पूरा बॉन्ड ऑर्डर की तो नहीं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, अभी बता दूंगी फिर से। O3 जो मेरे पास स्ट्रक्चर ये जो बना भाई, जरूरी थोड़ी है यही वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड रहेगा, मेरे पास था, होना क्या चाहिए था, एक डबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड था, तो मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ जब मैंने मेजर करी, तो मेरे पास जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर फॉर ओ के लिए, और फॉर डबल बॉन्ड के लिए होती है 121 पिकोमीटर, पर एक्चुअल में जब मैंने बॉन्ड लेंथ जो मेजर करी वो क्या आई, 128। कितनी आई भाई, डबल बॉन्ड ओ के जो इसके बीच का, इसकी होनी थी 148 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन की आई तुम्हारी 121 पिकोमीटर, पर जब मैंने एक्चुअल में इनकी इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो मेजर करी, तो मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी आ रही थी, 128 पिकोमीटर इन दोनों के बीच का, क्लियर हुई बात? हाँ यार। तो ये कैसे हुआ कि मॉलिक्यूल जो है उसमें एक्चुअल, ये रेजोनेंस को इस तरीके से डबल एरो से शो करते हैं, इस बात का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड अब इस वाले ऑक्सीजन पे है तो थोड़ी देर बाद इस वाले ऑक्सीजन पे भी जा सकता है,
बोलो भाई हाँ या ना। 1 2 3 4 5 नो मैम। नो मैम बस मैं एक बार इस ऑक्सीजन पे लगाया डबल बॉन्ड और एक बार इस ऑक्सीजन मैम, पर ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था भाई, तुमको याद नहीं हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया था O3 का? एक्सेप्शन पे O3 हमने बनाया था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना था भाई, किसी को फॉर्मूला याद है कैसे बनाया था हमने ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर? ओजोन का ही नहीं, हमने बहुत सारे बनाए थे। तुम पहले का भूलते जाओगे भाई, अगली क्लास में तुम मॉलिक्यूलर पढ़ोगे नहीं वो क्लास में। अरे फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग देख के या लेक्चर देख के आना चाहिए। बाकी बच्चों को पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था? एक तो मेरे इसके पास पहले मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काउंट करती हूँ। कौन बताएगा भाई? O3 का मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी भाई? इसका रूल था क्या नाम है आपका, नीतू, हमने क्लास में करा है, एक बार ये वाला लेक्चर को देख लेना ठीक है। सल्फेट का किया है हमारे यहाँ पे SO42 नेगेटिव का, SO3 का किया है, फॉस्फेट का किया है। अभी हम उन सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे भाई कैसे बनते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मेरा इसका है O3 का, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, एक ऑक्सीजन के पास है, 3 ऑक्सीजन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास? 24। भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रूल क्या है नोट डाउन कर लो कि साइड एटम के ऑक्टेट पहले कंप्लीट होने चाहिए, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कम नहीं होगा ज्यादा हो सकता है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कम नहीं होना चाहिए ज्यादा हो सकता है। क्या थोड़ा धीरे बोलो? यस मैम। कैसे हिंदी हिंदी में बोलूं कह रहे हो? लिख के तुम देख लेना, ऑक्सीजन एटम जो है ये 24 इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक ऑक्सीजन के पास 6 है, बाकी के 3 हो गए 24 इलेक्ट्रॉन, 24 ही होंगे ना भाई। और yes, आपके पास जो साइड एटम है, ये साइड एटम होता है, एक होता है सेंट्रल एटम। सेंटर में हम हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर जो एटम बड़ा है उसे रखते हैं ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो एटम बड़ा है या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो आपका सेंटर में रहेगा। अब यहाँ पे सब सेम ही थे तो कोई सा भी लिख दो, एक ऑक्सीजन साइड में बाकी के दो साइड में। अब मुझे क्या करने है, एक एक मैंने इसमें बॉन्ड बना दिया, एक एक क्या बना दिया मैंने, अब साइड में कोई एटम रहेगा तो उसके साथ कोई एक बॉन्ड तो रहेगा ही, तो मैंने वो बॉन्ड बना दिया। उस बॉन्ड को बनाने में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 1 2 3 4 एक बॉन्ड आपका, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब मेरे पास बचे हैं 20 इलेक्ट्रॉन। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन मेरे साइड एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने में काम आएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर है? यस मैम। 6 मेरे पास यहाँ पर इसके 6 जो है वो कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 कंप्लीट हो गए, 6 और 6 12। अभी कितने बचे हैं? 8 4 1 2 1 मिनट आओ। अरे भाई 6 3 18 होता है मैम, यहाँ पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना था। 1 मिनट यार रुको, सब गड़बड़ करवा दिया। 24 इलेक्ट्रॉन नहीं है, रुको रुको रुको। हाँ वैलेंस नहीं, O3 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने काउंट करे, टोटल करते हैं बच्चे यहाँ पर, यहाँ पे वैलेंस वाला नहीं है, वो आपका VSCPR उसमें किया था हमने ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ टोटल है, 24 नहीं है, 6 3 जा 1 ऑक्सीजन के पास 6, 3 ऑक्सीजन 18, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास ऑक्सीजन 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 4 इसमें से माइनस हो गए, बचे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 13 14 क्लियर है? 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए भाई। इस वाले एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सेंटर वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? बताओ भाई नीतू। नो मैम। नो मैम, इसके पास तो 6 ही है अभी, 1 2 3 4 5 6 अगर yes, ये करेगा तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों को उठा के इसके साथ क्या बना लेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे बॉन्ड बनवा लो, 1 2 3 4 और ये वाले पूरे ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कंप्लीट है ऑक्टेट, सेंटर वाले का भी साइड वाले के भी सब कंप्लीट है। yes, जो मेरे पास लोन पेयर यहाँ पर जो ये बचते हैं ना, इनका यूज मैं या तो बॉन्डिंग करवाने में कर देती हूँ अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, या फिर एक और रूल हमें देखना होता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या, कोवेलेंसी आपको याद ही रखनी है,
नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 हो सकती है, लेकिन बॉन्ड ये 4 ही बनाता है, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। कोवेलेंसी मतलब होता क्या है भाई, किसी को याद है कोवेलेंसी क्या था? नंबर ऑफ बॉन्ड, यस नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर, मुझे क्या निकाल कर देता है आपका यहाँ पे कोवेलेंसी। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, तो 3 या तो 5, बॉन्ड ये 4 ही बनाएगा याद रखना। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 2, 4, और क्या होती है मैक्सिमम, क्या रहती है इसकी, 6, सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी रहेगी, 2, क्लियर है, ऑक्सीजन की जो कोवेलेंसी है वो 2 रहती है। और कौन से होते हैं भाई, क्लोराइड की जो कोवेलेंसी है वो 1, 3, 5, 7, और क्या होता है भाई मैक्सिमम 7 होती है। तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो अटेन करने की कोशिश करता है हमेशा क्लोराइड, और दूसरा कौन सा, एक और फॉस्फोरस की रहेगी 1, 3 या फिर 5। अब इसी के साथ मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूँ वो मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेरा ये स्ट्रक्चर बना, जरूरी थोड़ी है डबल बॉन्ड इसी वाले ऑक्सीजन की तरफ आया, इस तरफ भी तो जा सकता है। बात समझ में आई क्या बताया मैंने, 1, 2, 3, यस अब क्लियर है, यस मैम, ठीक है। रेजोनेंस माने कि क्या, आपका जो इस एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा आपको जो एक स्ट्रक्चर जो है, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपको कंप्लीट आपको डिटेल नहीं बता पा रही है, इसकी सही बॉन्ड ऑर्डर सही बॉन्ड लेंथ के बारे में नहीं बता पा रही है। तो हमने बोला कि भाई ये ऐसे नहीं, इसका इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इसकी कैसे बनेगी कि डबल डॉट से शो करूंगी कि डबल बॉन्ड कभी तो यहाँ कभी तो यहाँ। तो ये डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के पीछे पास नहीं है, ये दोनों ऑक्सीजन पे है पर पार्शियल, क्लियर है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था हमने इस वाले ऑक्सीजन का, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था, यहाँ पे माइनस का 1 आया था ना मेरे पास, तो अब जो फॉर्मल चार्ज है यानी कि वो दोनों पे -1/2, इस पे भी -1/2, इस पे भी है, क्लियर, इस पे प्लस का चार्ज आया था। बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा तो जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी है, 2, 1 और ये 2, ये तो हाइब्रिड है, ये कौन सी है, जो मोर सही वाली होती है वो होती है हाइब्रिड, हाइब्रिड वाली स्ट्रक्चर जो है वो एकदम ठीक है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे निकालने को बोला जाएगा इसका कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एक चलो बॉन्ड ऑर्डर के लिए अभी थोड़े और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा देख लो पहले बॉन्ड ऑर्डर, फिर बताती हूं क्या होता है। बंधी इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। SO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ भाई हमने क्या बनाया था, SO3 का भाई नीतू, SO3 के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है SO3 2 negative कर लो, हमने SO3 के लिए बनाया था, SO3 2 negative करो एक बार, कितने हैं सल्फर के, 6 होते हैं, 6, 6, 18 प्लस 2 कितने हो गए, 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 तो भाई मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन के साथ 6 तो मेरे किसमें चले गए, बॉन्डिंग में, बच्चे कितने 20 इलेक्ट्रॉन। अब 20 इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, ये वैलेंस शेल वाले इनको कंप्लीट करना, 6, 6, 6, क्लियर है नहीं तो समझ में आया क्या करना है। उसके बाद 2 यहाँ पे, 20 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से सबको बांट दिए, सबको इस बेसिस पे बांटना है कि साइड वालों को पहले उनका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, बाकी सबके लिए तो ऑक्टेट 8 रहता है लेकिन हाइड्रोजन के लिए 2 रहता है, ये बात याद रखना, हाइड्रोजन में 8 मत फिल करवाने लग जाना अगर बाय चांस यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है मैंने 6 फिल कर दिए, बचे यहाँ पर 2, इसको दे दिए। अब क्या मेरे को बताओ सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी आ रही है, 3 तो बॉन्डिंग और 2 ये 5 ही आ रही है, 5 जबकि होती भी नहीं है, सल्फर की कितनी होती है, 1 होगी, 4 होगी या फिर कितनी होगी, 6। अब 6 अब पहले तो ऑक्टेट ही कंप्लीट कर लूं, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, जरा मुझे बताओ सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ भाई कंप्लीट है, देखो मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ कि मेरी ये स्ट्रक्चर एकदम ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई सार ऑक्टेट भी 7, 8 दो लोन पेयर है उसके, एक लोन मतलब पेयर है ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी है, साइड एटम भी कंप्लीट कर रहा है, सेंटर वाला भी कंप्लीट है, पूरे के पूरे 8 सब में 8 है, मैं कहती हूँ ये मेरा बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पर बच्चे सल्फर जो है वो मेरा क्या बनाता है, कोवेलेंसी जो होती है सल्फर की, या तो 1 होगी, 2 होती है, 4 होती है या फिर 6 होती है, तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करने के लिए
सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इसका सल्फर यहाँ पे क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक दो तीन चार पांच छह बन गए, छह वैलेंसी हो गई को इसकी। क्या किया मैंने, ये दो लोन पेयर उठा के यहाँ लगा दिए, मतलब इसके कोवेलेंसी कंप्लीट करवा दी सल्फर की। हो गई सल्फर की, बोलो भाई सल्फर की कोवेलेंसी हो गई छह पूरी। और मेरा जो एक्यूरेट जो मेरा ब्रिज डॉट स्ट्रक्चर बनेगा इसके लिए SO3 सल्फाइट के लिए, SO3 टू नेगेटिव को क्या बोलती हूँ मैं, सल्फाइट, सल्फाइट के लिए जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये क्लियर है हाँ ना, ये वाला नहीं क्या, नहीं मुझे नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया पूछना पड़ेगा भाई। मैम ये जो दोबारा बना है उसमें उसका आठ ही तो हो रहा है ना, क्या आठ हो रहा है, ऑक्टेट सल्फर, हाँ सल्फर का ऑक्टेट से ही ज्यादा हो गया है, नाजो ज्यादा हो गए ना, जरा काउंट करो इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। अब मुझे इसका ऑक्टेट नहीं, मुझे कोवेलेंसी भी देखनी है, उधर वाले में इस वाले में मेरे पास सल्फर ऑक्टेट तो कंप्लीट कर रहा था पर कोवेलेंसी मेरी पांच आ रही थी जो कि होती नहीं है, कोवेलेंसी होनी चाहिए थी, कैसे आ रही थी वो पांच, कोवेलेंसी कैसे आई पांच वो भी बता दीजिए। नंबर ऑफ कोवेलेंसी मींस नंबर ऑफ बॉन्डिंग, एक दो तीन लोन पेयर चार पांच, दो लोन पेयर जो है ना हमको अलग अलग काउंट करना है, एक दो एक दो फिर बॉन्ड तीन चार पांच, क्लियर है, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने बना रहा है वो, और जो इलेक्ट्रॉन है ना के लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन, यस मैम ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लियर है, पांच आ रही थी, यस सर। तो मेरे पास इसको इसको मुझे हटाने के लिए मैंने ये जो दो लोन पेयर्स थे इनमें से एक को हटा के यहाँ बॉन्ड बनवा लिया ताकि मेरी सल्फर की कोवेलेंसी कितनी हो जाए, छह। तो अब मेरे पास छह हो गई है, एक दो तीन चार तो बॉन्ड पेयर, पांचवा ये छठा ये, क्लियर है, यस मैम। अब मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, कैसे बनेंगे भाई, सब बना लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है, क्या भाई तीन बनेंगे, तीन बनेंगे, जरा बनाओ कितने बन रहे हैं, एस ओ थ्री टू नेगेटिव, भाई तीन बन रहे हैं या नहीं, एक बार ये बनाया, दूसरी बार में आपने क्या करा, अब की बार नेगेटिव इसको दिया नेगेटिव, इसको डबल बॉन्ड दे दिया, उससे अगली बार में क्या हो रहा है, इधर डबल बॉन्ड दे दिया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है, तीन बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बने तीन। इसका अगर मैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो क्या बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तीनों के पास एक एक ऐसे ऐसे करके डबल बॉन्ड, क्लियर है हाँ ना, यस मैम ठीक है। और अगर मुझे ये अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, इसलिए मैं वेट नहीं बता बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताया, थोड़ा सा रेजोनेटिंग समझ में आ जाए, रेजोनेटिंग समझ में आ गया ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कि क्या, कि एक से ज्यादा उसके बन सकते हैं, ठीक है स्ट्रक्चर अब, और सेम रहेगा सारी चीजें। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए किसी भी दो जो एक जोड़े को उठाऊंगी एक ही तरफ वाले को, जैसे इस वाले को मैंने लिया तो अभी भी इस वाले के लिए भी मैं इस वाले को लूंगी और इसके लिए भी मैं इस वाले को लूंगी, क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि क्या, टोटल ये नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करने हैं, पहले वाले में वन है, दूसरे वाले में टू है, तीसरे वाले में भी वन है, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, थ्री। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, फोर बाय थ्री, क्लियर है। बहुत कम आता है ये क्वेश्चन, जेई पे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई कितने इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो किसी भी दो को पकड़ना है आपने, और मतलब दो जो है एक ही साइड वालों को उनको पकड़ना है, उसी से सारे देखने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर पहले वाले का दूसरे वाले का जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उतने काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने हैं वो डिवाइड में करना है, क्लियर हुई बात, yes। चलो जरा अब जरा मुझे SO3 के लिए बताओ क्या होगा, SO3 के लिए SO3 का तो हमारा स्ट्रक्चर ही ये बना था, यही बना था ना स्ट्रक्चर, लेस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया था, बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए तो भाई दो ही आएगा, इसमें तो कुछ नहीं है, रेजोनेटिंग बन रहा है इसमें, रेजोनेटिंग ठीक है। अब जरा बनाओ एक SO4 टू नेगेटिव और PO4 थ्री नेगेटिव, इन दोनों का करिए, SO4 टू नेगेटिव का जरा, इसके इसकी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी बच्चे ऐसे बनेंगी वो कुछ,
अब भाई नीतू कह रही है बनाकर दिखाओ, बाकी बच्चे बना सकते हैं इसके लिए स्लॉट स्ट्रक्चर? एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार, बोलो भाई बाकी बच्चे बना सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर सल्फेट की? सल्फेट की विशेष कह रहा है, हाँ नीतू तुम बना सकती हो, बन जाएगा। कोवेलेंसी का जो रूल का वो यूज करना है बाद में, एक्चुअल में तो हम जब हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऑक्सीजन 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 और छह छह मैंने इन सबको दे दिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ऑक्टेट। तो अभी भी मेरा ऑक्टेट कम्प्लीट हो रहा है, बट सल्फर की कोवेलेंसी मुझे सिक्स करनी है, तो इसके लिए मैंने दो लोन पेयर यहाँ से उठा के यहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, तो मेरी कोवेलेंसी सिक्स हो गई। फॉर्मल चार्ज निकालूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा नेगेटिव। अब मेरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, जरा कोई बच्चा, छह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, मैंने बता दिया, बनाओ अपने आप। तमन्ना छह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे इसके बनाने हैं, बन जाएंगे छह? बोलो भाई बन जाएंगे। पहले दो जोड़ा इधर इसका बना, ठीक है, बन जाएंगे। बनाओ अपनी कॉपी में, फिर कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए, अभी कितने रह गए, दो और रह गए। देख लेना भाई कोई रिपीट ना हो, क्लियर है, बन गए। अब मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, तो भाई कोई भी दो उठाने हैं, ये दो को मैंने लिया, क्लियर है, इन दोनों को मैं ले रही हूं, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से बताओ? एक 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 तीन ये हैं, दो 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 छह, छह सात आठ नौ, नाइन बाय सिक्स बॉन्ड ऑर्डर कितना आया भाई? नाइन बाय सिक्स आया ना मैम? हाँ थ्री बाय टू। कोर फिगर भी तो बन सकती है ना, कौन सी, जैसे हम ऊपर साइड लॉन्गिट्यूडनल हम दोनों को लगाएं बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है लगा दिया है मैंने तो लॉन्गिट्यूडली दोनों को डबल, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर वही तो है, हॉरिजॉन्टली भी लगा दिया। ओके मैम ठीक है, तो मैक्सिमम आपके ये सिक्स ही है, क्लियर है, और बॉन्ड ऑर्डर मेरा आ गया थ्री बाय टू, क्लियर है बॉन्ड ऑर्डर निकालना भैया। yes, तुम्हारा होमवर्क है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, किसके लिए, फॉस्फेट के लिए भाई, नीतू और बाकी बच्चे जिन्होंने अगली क्लास नहीं पी थी लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर वो देख लो, मेरा जो फॉस्फोरस है वो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, एक्चुअल में बनता नहीं तो ये ऐसा ही कैसे ऑक्सीजन 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 ही कर देती है, और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा था, सबकी वैलेंसी भी पूरी होती है, लेकिन फॉस्फेट जो है वो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी फाइव होती है, ये फोर ही है, तो फाइव दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन को लेकर यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, तो फाइव हो गया और इनके ऊपर आ गया नेगेटिव 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 फॉर्मल चार्ज। एक चीज मैंने और शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना रहा होगा ना कहीं पर तो वहां पे फॉर्मल चार्ज जीरो रहेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और एक बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस वन, माइनस का, ठीक है। और अगर वो डबल बॉन्ड से ज्यादा बना रहा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अलावा एक और कुछ बना रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? तीन बॉन्ड पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी बस, इसका फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूले है एक नीतू, अगर तुम्हें आता है नीतू फॉर्मल चार्ज निकालने का, हमने फॉर्मूला किया है फॉर्मल चार्ज निकालने का, नोट्स में जाकर देख लेना एक बार या फिर रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है भाई। फॉस्फेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? चार भाई, डबल बॉन्ड भाई सारे ऑक्सीजन पे आ जाएगा, चार बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे मैम। चलो भाई ये तो पता था तुम्हें कम से कम, अब बॉन्ड ऑर्डर बता दो कितना निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना निकलेगा? कितना आ रहा है भाई, 5 by 2 आ रहा है, एक दो तीन, यस मैम 2.5 आएगा फिर। 5 by 2 कैसे आया भाई, 2 क्यों आएगा? अच्छा 5 by 2, एक दो इसी को ले रही हूँ मैं, तीन और ये चार, तीन दो पांच, पांच तो मेरे ये बने, 5 by 4 नहीं आ रहा? यस मैम 5 by 4 आएगा। सारे के सारे एक को बोल के पीछे सीख के सब यस मैम कर देते, करके नहीं देखते, मैं भी बोल देती भाई हाँ डिफरेंट आ जाएगा।
निकाल के देखो भाई, मैंने किन्हीं भी दो को पकड़ा, उसके बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ रहा है, इसके दो है, इसका वन वन वन, उन सबको प्लस किया, फाइव आया, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी थी वो फोर, तो आंसर आया 5/4 1.25 आपका आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर का आंसर। क्लियर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ में आया बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बोलो भाई हाँ या ना। यस मैम। चलो अब फिर हैप्पी होके दिखाओ फटाफट से, सारे बच्चे अपने जरा स्माइली वाले में से हैप्पी वाला स्माइली निकालो तो बताओ। अगला हम पिछली क्लास में आ गया।